गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है और आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो ये सुबह का है, नाश्ता हो गया है हमारा और बिटिया रानी को डाब, बेटे को चाय और हमारी भी चाय। तो ये नाश्ते की चाय है, माँ का नाश्ता अभी भी चल रहा है और मिलते हैं, दिखाते हैं आज दिन भर क्या करते हैं हम लोग। चाय है बस, ये लंच की तैयारी। मैंने केला को काटा हुआ है और आलू, केला और आलू की भुजिया। और यहाँ है हमारा पपीता, आलू एंड चना, इसकी सब्जी बनाऊंगी। और दाल बैठ गया है और रोटी नहीं बनाना है क्योंकि ये जब सब्जी रहती है बेटे को चावल खाना होता है, अंशु को भी चावल पसंद है, तो फिर चावल बस आज का ये भुजिया, ये सब्जी, दाल बैठ गया है, छौंकना होगा एंड चावल। और ये साथ साथ में मैं अब घर की सफाई भी कर लेती हूँ क्योंकि बाहर नहीं आ रही है, तो झाड़ू पोछा आप सब करते ही होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी इसको निपटाती हूँ। साथ मेरी रेडी हो गई है और साथ में चाय भी हो रहा है। मेरे कोमड़े की सब्ज़ी, इसको मैंने छौंक दिया है, जिस प्याज से छौंका है और हरी मिर्च एंड आलू, कुमड़ा और चना ये डाल दिया। थोड़ी देर इसको भून के उसके बाद मसाले डाल के इसको पकाना है। लेकिन इसमें स्पेशलिटी है कि सरसों डालते हैं, तो सरसों पाउडर, पीसा हुआ पाउडर मैं रखती हूँ तो वो डाल दूँगी। बाकी सारे मसाले वैसे ही, हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, वो सारे मसाले जो भी आपको पसंद है वो, एंड नमक बस। फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू उमास लाइफस्टाइल। और आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन ये आम वाला था बाहर तो मैंने कच्चे आम लिए क्यारी, और ये मैंने उसको छीले, थोड़े आम तो छील लिए, छिल के मैंने सोचा ये खट्टा मीठा सा जो पराठे या रोटी के साथ खाते हैं ना, खट मीठा जिसको बोलते हैं, तो वो तो मैंने पहले से शूट नहीं किया तो जस्ट अभी कर रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने थोड़ी घी ली और जीरा डाल के मैंने बस छौंका लगाया है, और अब मैंने गुड़ नहीं कर रही हूँ तो गुड़ डाल दिया है इसमें, और मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद थोड़ी नमक डालूंगी, काला नमक डालूंगी एंड लाल मिर्च। ओके, बस केवल इतना ही, और ये कुछ दिन तो चल ही जाएगा, है ना। तो ये बना रही और कंसिस्टेंसी है, ऐसा ही बनेगा। मैंने इसमें लाल पाउडर मिर्च, नमक और थोड़ी सी जीरा पाउडर डाल दिया है, तो थोड़ी देर में ऑफ कर देना है, फिर पराठे पूड़ी किसी के साथ भी खाना। नमक फ्रेंड्स, आज बारिश हुआ और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लिट्टी बनाते हैं, तो ये चोखा मैं बना चुकी हूँ, भरता जिसको बोलते हैं, बैंगन, आलू, टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, सरसों तेल, नमक, और ये कुछ फ्राई करने के लिए बचे हुए हैं और बाकी मैंने कर लिया। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस शेयर नहीं किया। तो ये हमारी लिट्टी है आज, लिट्टी का इसको एक्चुअली मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, अदरवाइज़ वो पकता नहीं है, आप फुल फ्लेम करके उसको नहीं पका सकते। और खट्टी मीठी वाली चटनी मैंने बनाया था तो वो भी आज भी हम लोग यूज़ करेंगे, ये खाने के साथ लिट्टी चोखा और वो चटनी ने बनाया था। चलो डीडू खाओ, खा के देखो कैसे। पंखा चालू कर दे। ये आज शाम का समय है और ये
सूरज ढल रहा है और देखिए कितना तो खूबसूरत सही नज़ारा है। और ये जो लीची हुआ हुआ है वो बेटा थोड़ा बहुत तोड़ रहा है और अंशु है उसके लिए। तो बस ये कल जितना बादल था आज आसमान उतना ही साफ है। और देखिए ये शाम का समय है फ्रेंड्स और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए और वैक्सीनेशन जिन लोगों ने नहीं लगवाया है वो प्लीज़ लगवा लें, अपना केयर करें, घर पे रहें, प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और बहुत सेफ रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके अवेलेबल रहें, लोगों से बात करें अगर जिनको भी जो भी सफ़र कर रहे हैं और बस खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और इसके साथ ही आज का ये ब्लॉग मैं यहाँ स्टॉप कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हाँ एक बात और, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड पुट योर कमेंट्स। जब आप देखते हैं आप एक लाइन कमेंट डालेंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।